नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं केले के छिलके से आप जो खाद कैसे बनाएंगे, और ये जो बनेगा खाद आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। और इसका एक और भी तरीका है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। पहले हम आपको लिक्विड वाला दिखा दें, लिक्विड वाला कैसे तैयार करेंगे। क्या करेंगे, एक लीटर पानी लेंगे बोतल के अंदर, और केले का छिलका लगभग 5 या 6 किलो का छिलका लेंगे हम, और उसको काटेंगे। केला का जो छिलका होगा ताज़ा होगा, कैंची से छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे जो कि हमारे बोतल के अंदर में वो आ जाए। और इस बोतल को कम से कम हमको 2 सप्ताह तक एक जगह पर कहीं भी छावा जगह या धूप जगह कहीं भी रख देना है। और इसको आपको डेली कम से कम एक बार बोतल को हिलाना है, जिससे कि हमारा खाद जो है अच्छा से तैयारी हो, रस जो है छिलके का बाहर आ जाए, पूरा पानी के अंदर मिल जाए, लिक्विड हो जाए। और इस खाद को हमको कैसे देना है ये भी दिखाएंगे आपको। और फिर कौन सा घास में आप देंगे, घास जो है आपको सबसे अच्छा काम करता है ये गुड़हल के प्लांट पर, और आपका रोज प्लांट यानी गुलाब का फूल, टगर और गंधोरा जो होता है उस पर। आपको जो हार्ड किस्म का जो डाल होता है जिस घास का, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और इस खाद के अंदर में आपको सबसे ज़्यादा मात्रा होता है पोटाश का यानी पोटेशियम का, इसलिए फूल के लिए बहुत ही अच्छा खाद है। यहाँ पर देखिए कैसे हम पानी में दे रहे हैं, जो टोटल छिलका है उसको पानी के अंदर देंगे। एक केले के छिलका जो है खाद जो है अपने आप में एक अलग किस्म का खाद है, इसके जगह पर आप दूसरा कुछ खाद देंगे तो ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए हम आप इसको दिखा रहे हैं कि आप इसको, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आप जो घर में बेकार केले का छिलका है आया, उसको आप ले करके खाद बनाएं और इसको अपने गाछ में दें, गाछ में देने से फूल बहुत ही अच्छा फूल देगा। इसको लगभग आप 15 दिन बाद यदि गाछ के ऊपर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। और देखिए जो हिला रहे हैं, हम हिला रहे हैं तो मतलब ये कैसे इसका रंग जो है चेंज हो जाएगा, ये देखिए रंग पूरा चेंज हो गया, 2 सप्ताह हो चुका है। इसको हम जो बनाएंगे, देखिए पूरा रंग पूरा काला टाइप का रंग हो गया। और सामने जो छोटा पौधा है वो आपका गंधोराज का पौधा है, जो फूल दिखाई दे रहा है। गंधोराज में देंगे, टोगर घास में भी देंगे, गुलाब में देंगे, और आपको बोल दिए जो मैंने हार्ड किस्म का, जो इसे नींबू प्लांट है यानी कि हार्ड, उसका डाल जो है हार्ड होता है, सख्त होता है, जिस इस घास का मैंने हार्ड होगा उसके ऊपर हम देंगे। और इसको क्या करेंगे, बोतल दूसरे बोतल के अंदर में इसको छान लेंगे, पहले छान लेंगे। छानने के बाद इसको हम मान के चलिए ये वाला जो डब्बा है मेरा आधा लीटर है, आधा लीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इस डब्बा के अंदर में लगभग हम 8 लीटर पानी लिए। और यहाँ पर जो 1 लीटर ये जो लिक्विड है, इसको हम पूरा 1 लीटर को ही छान लेंगे और 8 लीटर पानी में हम देंगे। कम से कम इसके अंदर हमारा नहीं भी तो 10 गाछ हमारा आसानी से हो जाएगा। 10 गाछ में आप यदि देंगे तो अच्छा ही काम दिखाएगा अपना, और इससे ज़्यादा देने से हमको उतना लाभ नहीं मालूम होगा। 8 लीटर में मान के चलिए हमको जो गाछ जैसे जो जितना ड्राई है उस हिसाब से मिनिमम 600 ग्राम 700 ग्राम एक गाछ के ऊपर हमको इसका जो लिक्विड है देने होगा मिला करके। और जो छोटा पौधा है उसमें मान लीजिए 100-200 ग्राम भी देने से होगा, जैसे 6 इंची का पॉट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
पॉट के हिसाब से देना होगा। जैसे मान लीजिए 8 इंची है तो उसके अंदर 200 ग्राम लगेगा, 10 इंची है तो उसमें मान लीजिए 300 ग्राम, 12-14 इंची है तो आपको 400 ग्राम तक आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर या दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइजर को मिला दें, मिला करके दें। ये वाला हम जो दे रहे हैं आपका मुशुंडा प्लांट है, मुशुंडा प्लांट में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पहले हम आपको बोल दिए जो हार्ड गाछ होता है उसके अंदर फूल का काम अच्छा काम करेगा। और ये वाला आपका गुड़हल फूल है, गुड़हल फूल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए हम गुड़हल में दे रहे हैं। यदि आपके पास रोज़ हो रोज़ प्लांट में दें, रोज़ प्लांट में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा आपका जो भी गाछ हो, जो हार्ड डाल वाला गाछ है उसके अंदर आप दे सकते हैं। ये वाला टगर गाछ है, टगर में भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, फूल ज़्यादा आएगा इसको देने से। और ये जो खाद है आपको यहाँ पर हम जो तैयार कर रहे हैं वो केला का ही छिलका है। इसका दूसरा आपका खाद बनाने का तरीका हुआ सूखा वाला, यानी कि ड्राई। केला के छिलके को क्या करेंगे, धूप में नहीं सुखाना है हमको, थोड़ा हल्का धूप हो, डायरेक्ट धूप में नहीं देना है, हल्का धूप है और वहाँ हवा लगना चाहिए, छिलका को हल्का छीट दें, देखिएगा सूखने लगेगा। सूखने के बाद उसका रंग पूरा काला हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा काला हो जाएगा। काला होने के बाद में इसको क्या करें, कैंची से आस्ते आस्ते करके लगभग सूखने में इसको 10 दिन या 15 दिन तक लग सकता है, 2 सप्ताह तक। उसके बाद ये अपने आप में सूख भी जाएगा और एक मतलब खाद के रूप ले लेगा पूरा। इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा काट देंगे, टुकड़ा में काटेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, जो हमारा माटी के अंदर में अच्छा से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद हमारा गाछ में जो काम अच्छा से करें, क्या करेंगे, घास का जो मिडिल है, मिडिल के चारों तरफ किनारे किनारे मिट्टी को कोड़ देंगे। और कोड़ने के बाद इसको हम कम से कम 10 टुकड़ा या 12 टुकड़ा इसमें से लेकर के छोटा सा टुकड़ा वो मिट्टी के अंदर में लेकर के नीचे दबा देंगे। दबाने के बाद अपने घास में अच्छा से पानी देंगे, इससे जो रस निकलेगा, जो पानी जाएगा वहाँ पर जो रस निकलेगा वह हमारे गाछ को मिलेगा, और उससे हमको गाछ को मतलब फूल अच्छा मिलेगा और गाछ का भी कंडीशन बहुत अच्छा होगा। इसको हम आपको दिखा रहे हैं मतलब कैसे देना है। मिट्टी के ऊपर नहीं रखिएगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर रखने से वो जो सड़ेगा नहीं, फिर नहीं सड़ेगा तो वहाँ पर आपको गाछ में फ़ायदा नहीं होगा, मिट्टी के अंदर मिक्स होगा तभी फ़ायदा होगा। और ऊपर से पानी पड़ेगा नीचे में, आपको गाछ जा करके गाछ को उसको रस मिलेगा तब जा करके फ़ायदा होगा। आपका गुड़हल प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहा है तो इसको आप यूज करें, फूल आना चालू हो जाएगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और ये जो मिट्टी कोड़ेंगे तो आप खुरपी से नहीं कोड़ेंगे, मिट्टी को कोड़ना है एक बांस का स्टिक लेकर के साइड साइड में कोड़ करके मिट्टी को हल्का उठा दें, उठा करके उसके अंदर ये टुकड़ा जो है कम से कम 8-10 टुकड़ा एक गाछ के अंदर में दें, और फिर मिट्टी से दे करके ढक दें, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, इसको यहाँ पर मिट्टी से अच्छा से ढक दें। और इस पर जो आप पानी देंगे, पानी देने से ही वो घास अपना जो है खाद को खाएगा और यहाँ पर फूल आना चालू हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं कि मतलब आपको खाद जो है घास का मोटा मोटी ग्रोथ ठीक है, किंतु इसमें फूल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको खाद को यूज़ किए और हम वीडियो कर लिए कि आप भी देखने सकें, आप भी अपने घास में देने सकें और उससे आपको भी लाभ मिले। ऐसे रासायनिक खाद बहुत किस्म का है, उसको भी देने से होता है, किंतु ये वाला यहाँ पर हम आपको कुछ खर्च नहीं आएगा। और घर पर जो केला का छिलका बेकार में आप फेंक देंगे, उससे ये खाद को आप तैयार कर लेंगे और अपने गाछ को दे देंगे, जिससे गाछ को आपको फ़ायदा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करें, बताएँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।